गरीब ससुराल में आई अमीर सहेली। ये कहानी है शिखा और सौम्या की, जो बचपन की सहेलियां हैं। जहां शिखा बड़े घर की बेटी है, उसके पिता रंजीत रॉय की गांव में कई सारी राशन मिल, कोहलू और चक्की चलती हैं, वहीं सौम्या के घर में वो और उसकी गरीब माँ रमा रहा करती थी। रमा रंजीत के घर में सालों से चौका बर्तन करती आ रही थी। रमा रोज सौम्या को अपने साथ काम पर लाया करती, जहाँ सौम्या और शिखा एक दूसरे के साथ घुल मिल गई और दोनों सहेलियां बन गई और दोनों ने साथ साथ स्कूल की पढ़ाई पूरी की। क्या बात है रमा मौसी, आज आप इतनी जल्दी जल्दी बर्तन क्यों धो रही हैं? और ये सौम्या कहाँ है? शिखा बीबी जी, सौम्या घर पर है, उसे देखने के लिए आज रिश्ते वाले आने वाले हैं। मगर रमा मौसी, अभी तो हमारी स्कूल की पढ़ाई पूरी हुई है, अभी तो मैं और सौम्या साथ मिलकर कॉलेज करना चाहते। सौम्या सिर्फ 18 साल की है, उसकी शादी कितनी जल्दी क्या है, अभी उसकी उम्र थोड़ी ढली जा रही है। शिखा बीबी जी, हम गरीबों के घर बहुत ही मुश्किलों से रिश्ते आते हैं, सौम्या के बापू तो रहे नहीं, इसलिए उसकी शादी मुझे ही करनी है। उसी रोज रमा की बेटी सौम्या की शादी तय हो जाती है और कुछ ही दिनों में शादी की घड़ी आ पहुंचती है और शिखा सौम्या को तैयार करती हुई कहती है, जरा देखो तो कितनी सुंदर लग रही है मेरी सहेली रमा मौसी, जीजा जी की तो किस्मत खुल गई। कुछ ही देर में सौम्या की शादी रवि से हो जाती है और वो अपने ससुराल चली जाती है। वहीं कुछ ही दिनों बाद शिखा के लिए शादी के रिश्ते आने लगते हैं। अरे शिखा बेटी, तुम्हारे लिए बड़ा ही अच्छा रिश्ता आया है, संदीप नाम है लड़के का, फैला हुआ बड़ा बिजनेस और घर बार है। अरे कल वो तुम्हें देखने आ रहे है, तुम तैयार रहना। अगले दिन राजरानी संदीप के साथ उनके घर आती हैं और पहली नजर में शिखा को पसंद कर लेती हैं और बड़ी धूमधाम और गाजे बाजे के साथ शिखा की भी शादी हो जाती है। इस तरह बचपन की दोनों सहेलियां एक दूसरे से अलग हो जाती हैं और अपने अपने ससुराल में ढल जाती हैं। तभी कुछ महीनों बाद दोनों फोन पर बात करती हैं। हाय सौम्या, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, तू अपना सुना? बस यार, मेरी जिंदगी तो मजे से कट रही है, तू बस ये बता मुझसे मिलने कब आ रही है? जब तू कहे तो फिर तू कल आ जा, मैं तेरा वेट करूंगी। शिखा अपनी सास को सौम्या के घर आने की बात बताती है, जिस पर राजरानी रूखी लहजे में बोलती है, शिखा बहू, अभी तुम्हें बहू बनकर आए महीना भर भी नहीं हुआ और तुम अपनी मनमर्जियां चलाने लगी, क्या जरूरत थी अपनी गरीब सहेली को ससुराल बुलाने की? खैर छोड़ो, अब तुमने तो अपनी मनमर्जी कर ही ली है, आने दो अब। अगली सुबह सौम्या मिठाई का डिब्बा लेकर अपनी सहेली के ससुराल आती है। शिखा का ससुराल बहुत ही आलीशान था। अपनी सहेली को देखकर शिखा की आंखें भर आती हैं और वो भागकर उसे गले लग जाती है। सौम्या मेरी सहेली, मैंने तुझे बहुत याद किया, चला जा बैठ। शिखा बहू, अगर बिछड़ी सहेली से मिलना मिलाना हो गया हो तो जरा अपनी सहेली के पैरों की हालत तो देखो, धूल मिट्टी में सने हुए। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी गरीब सहेली के कारण मेरा स्टैंडर्ड सोफा खराब हो जाए, इसलिए स्टोर रूम में जो चेयर रखी है उसे निकाल लाओ और गप्पे लड़ाने हैं तो घर से बाहर गार्डन में जाकर लड़ाती रहो। अपनी गरीब सहेली के साथ अपनी सास का ऐसा बुरा फर्क देखकर शिखा का मन छोटा हो जाता है, मगर इस बात को नजरअंदाज वो कर देती है और कुर्सी ले जाकर गार्डन में बैठती है। अच्छा बातें तो होती रहेंगी, तू ये बता क्या खाना पसंद करेगी? जो भी तू प्यार से खिलाए मैं खुशी से खा लूंगी। ठीक है मैं आती हूँ। फिर शिखा किचन में आकर भोला से कहती है, भोला भैया। अरे जी, कहिए बहुरानी। जी मेरी सहेली आई है, जल्दी से गर्मा गर्म समोसे और पनीर के पकौड़े बना दीजिए और हाँ, पहले गार्डन में नाश्ता ले आइए। जी अच्छा बहुरानी। भोला किचन की ड्रॉर में रखी महंगे बिस्किट और स्नैक्स प्लेट में भर लेता है और जैसे ही शिखा नाश्ता लेकर किचन में जाने लगती है, राजरानी उसे रोकते हुए कहती है, रुको बहुरानी, इतना सारा नाश्ता लेकर कहाँ जा रही हो? मेरा घर कोई धर्मशाला नहीं समझी, और अगर अपनी निकट्टू सहेली को इतना महंगा नाश्ता कराओगी तो वो हर दिन मुंह उठाकर मुफ्त का महंगा नाश्ता खाने यहाँ चली आएगी, समझी? ये सब रखो और ये मूंग दाल ले जाओ, वैसे भी गरीबों के घर का नाश्ता इन 10-5 रुपए के पैकेट से ही पूरा हो जाता है। कंजूस राजरानी अपनी बहू के हाथों से नाश्ते की थाली छीन लेती है। वहीं किचन की आवाज गार्डन में बैठी सौम्या भी सुन लेती है। इस तरह एक के बाद एक करके राजरानी बहू के ससुराल आई गरीब सहेली को नीचा दिखाती है, जिसके बाद सौम्या अपनी सहेली के ससुराल से जाते हुए उसकी सास के पैर छूती है। अच्छा माँ जी, मैं चलती हूँ।
ओ गौतम, गरीब लोग ना अमीरों को ठगने का अच्छा बहाना जानते हो। कभी तो पैसों के लिए गले पड़ जाते हो और कभी पैर छूते हो ताकि हम पैसे दें। ये लो रखो, अब जाओ यहाँ से। इतना महंगा पेडिक्योर कराया था मैंने, गंदे हाथ से मुझे टच कर दिया, स्टूपिड। इस बार राजरानी सारी हदें पार कर देती है जिस कारण सोमिया की आंखों में आंसू उमड़ आते हैं, मगर वो चली जाती है और शिखा कहती है, आई एम सो सॉरी सोमिया, तू भी सोच रही होगी ना इतने बड़े घर की बहू होकर मेरे बस की कुछ भी नहीं है। तभी तो मेरी सास ने मेरी सहेली की गरीबी की हंसी उड़ाने की सारी हदें पार कर दी और मैं कुछ नहीं बोल सकी। जाने दे शिखा, तेरी सास ने मुझे तुझे मिलने दिया, इतना ही बहुत है, चलती हूँ। इसी तरह समय बीतता जाता है और कुछ दिनों बाद सोमिया का जन्मदिन आता है। शिखा उसके लिए बहुत सारे तोहफे खरीदती है, जिसे देखकर सास कहती है, अरे बहू, इतनी सारी शॉपिंग किसके लिए किया है? माँ जी, कल मेरी सहेली सौम्या का जन्मदिन है, ये सब उसी के लिए। बहू जाने तेरा क्या होगा, अरे अपनी गरीब सहेली के पीछे इतना खर्चने की क्या जरूरत थी? कोई जरूरत नहीं इतना सब ले जाने की, ये 500 रुपए पकड़ और एक सस्ती सी साड़ी ले जाना। राजरानी बड़ी बेरुखी से शिखा के हाथों से सारे तोहफे छीन कर रख लेती है और शिखा छिप छिप कर अपने पैसे से सोमिया के लिए सुंदर सा केक और एक महंगी सी साड़ी खरीद कर उसके जन्मदिन में पहुंचती है, जहां उसकी सास सुबह शिखा का बढ़ चढ़ कर स्वागत करती है और अपने आंचल से कुर्सी पहुँच कर उसे बैठाती है। आओ बेटी, यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लाती हूँ। फिर सास भागी भागी दुकान से ठंडा लेकर आती है और नाश्ते में भरी थाली शिखा के आगे परोस कर उसे हवा करती है। अरे बेटी, नाश्ता करो ना, कुछ घटी है तो बताओ। नहीं नहीं माँ जी, बस बहुत है। अपनी सहेली की गरीब सास का साफ मन देख कर शिखा खुशी से भर कर नाश्ता कर लेती है, जिसके बाद सभी केक काटते हैं। बैठो बिटिया, मैंने तुम्हारे लिए गर्मा गर्म पूरी और छोले बनाए हैं, सौम्या बहू ने बताया था तुम्हें बहुत भाते हैं। सौम्या की गरीब सास पूरा समय रसोई में मिट्टी का चूल्हा फूंक फूंक कर बस इसी में लगी हुई थी कि घर आई बहू की सहेली को क्या खिला पिला दे। शिखा का मन इन संकेतों भरे घर में आकर बहुत खुश था। और फिर, अच्छा माँ जी, तो फिर मैं चलूं? अरे बेटी ऐसे कैसे, तुम कुछ देर ठहरो, मैं आती हूँ। बहू, तू शिखा को रोके रखना, इतनी खातरदारी हो गई, अब क्या बाकी रह गया है, ये तो माँ जी ही जानती है। शिखा, कुछ देर बैठ जाओ। सुधा बचाए हुए पैसे से बाजार से एक साड़ी और श्रृंगार का सामान खरीद कर घर लौटती है। ये लो बेटी, ये तुम्हारे लिए। मगर माँ जी, इसकी क्या जरूरत थी? बेटी, तुम मेरी बहू की सहेली हो और पहली बार हमारे घर आई हो, मैं जानती हूँ कि तुम ये तोहफा रख लो। मैं जानती हूँ कि तुम इतने बड़े घर की बहू हो और मेरा दिया तोहफा सस्ता है। ऐसा मत कहिए माँ जी, एक गरीब जितनी खुददारी एक अमीर में कहाँ होती है, और जितने दिल से भरकर एक गरीब के घर स्वागत होता है, एक अमीर के घर वैसा नहीं होता। ऐसा कहने के पीछे शिखा के मन में अपने अमीर ससुराल और सास की छिपी कंजूसी उभर आती है, जिसके बाद वो अपनी सहेली के गले लग कर जाते हुए कहती है, सौम्या तू खुश नसीब है जो तेरी सास इतनी अच्छी है। भले तू अमीर है, मगर तेरे छोटे से घर में भी खुशी है। वहीं इतने बड़े घर की बहू होकर भी मैं खुश नहीं, क्योंकि वहां सैकड़ों पाबंदी हैं। ये सब तो किस्मत है शिखा, अब ज्यादा मत सोच। आखिर में शिखा अपनी ससुराल चली जाती है, वहीं सौम्या भी अपने गरीब घर आंगन में खुशी से रहने लगती है। ये कहानी है निर्मला देवी के घर की, जहां पति श्यामलाल, बेटे रंजीत, संजय और बहू आरती रहा करती थी। आरती बहू, चाय बन गई क्या? जी माँ जी, बन गई, अभी लाई। बहू सास ससुर के लिए चाय लेकर बाहर आती है। माँ जी, बाऊजी, ये लीजिए चाय। बहू ये देख, संजय की शादी के लिए कुछ लड़कियों की तस्वीर आई है, तू देख ले। माँ जी, हमारे देखने से क्या होगा, देवर जी को तो कोई लड़की पसंद नहीं आती, जैसे उन्होंने देवरानी पहले से ढूंढ ली हो। माँ जी, मैं रसोई में जा रही हूँ, रंजीत जी के ऑफिस का टाइम होने वाला है, मुझे उनके लिए रोटियां बनानी है। ये कहकर आरती रोटी बनाने चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है, मगर हर कुछ दिनों पर शादी की बात होती देख कर एक शाम संजय शादी करके घर आ जाता है। उस वक्त आरती आंगन में बने मंदिर में ज्योत बत्ती कर रही होती है, तभी उसकी नजर दरवाजे पर बुरके में खड़ी जारा पर जाती है और आरती की थाली उसके हाथ से छूट कर गिर जाती है। हे माता रानी, माँ जी, बाऊ जी, कहाँ हैं आप?
जल्दी आइए। अरे क्या हो गया बहू, क्यों चिल्ला रही हो? आप खुद ही देख लीजिए ससुर जी, देवर जी ने क्या गुल खिलाए हैं, एक मुसलमानिनी को ब्याह करके घर ले आए हैं। राम 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 राम। अरे बस कीजिए भाभी, तिल का ताट बनाना तो कोई आपसे सीखे। माँ पिताजी, ये जारा है, मैं जारा से बहुत प्यार करता हूँ। और माँ आप ही तो कहती है ना कि हमें उसी से शादी करनी चाहिए जिसके साथ हम खुश रह सकें। फिर क्या फर्क पड़ता है लड़की मुस्लिम है या हिंदू। संजय की बातें सुनकर निर्मला जारा का गृह प्रवेश कराती है। आजा जारा बहू, इस घर में तेरा स्वागत है। अपनी सास को मुस्लिम देवरानी से अच्छे से पेश आता देखकर आरती गुस्से में कमरे में आकर कहती है, माँ जी हिंदू होकर एक मुस्लिम को अपनी बहू कैसे मान सकती हैं? जिसे जो मानना है माने, मगर मैं इस मुस्लिम को अपनी देवरानी कभी नहीं मानूंगी। अगली सुबह आरती अपने कमरे में सो रही होती है, तभी उसकी नींद खुल जाती है और वो नाक सिकुड़ कर कहती है, हे भगवान, ये इतनी गंदी बदबू कहाँ से आ रही है। आरती बदबू को भांपती हुई रसोई में आ पहुँचती है, जहाँ जारा बिरयानी बना रही होती है। ये देखकर आरती गुस्से में जारा का हाथ खींचकर उसे गैस चूल्हे से दूर करती हुई उस पर चिल्ला पड़ती है, दो कौड़ी की मुस्लिम देवरानी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी रसोई में ये मांस मच्छी बनाने की? ये मेरी रसोई है, निकल यहाँ से। बस कीजिए बाजी, हमारे ना बोलने को हमारी बुजदिली मत समझिए। और ये बावर्ची खाना उतना ही हमारा है जितना कि आपका। हटिए हमारे रास्ते से और हमें हमारी पहली रसोई की रस्म पूरी करने दीजिए। जारा जिद पर अड़कर खाना बनाने लगती है, तभी आरती उसके हाथों से करछी छलनी छीन लेती है। तभी दोनों में बहसबाजी होने लगती है, जिसे सुनकर दोनों के पति और सास ससुर रसोई घर में आ जाते हैं। अरे ये कैसा शोर शराबा है, अम्मी जान बाजी हमें खाना नहीं बनाने दे रही। अरे क्यों बड़ी बहू, तू छोटी बहू को खाना क्यों नहीं बनाने दे रही? क्योंकि मैं अपनी रसोई इस मुस्लिम देवरानी से नहीं बांट सकती। माँ जी पता नहीं ये मरजानी मुसलमानिनी कैसे कैसे हाथों से मिर्च मसालों के डब्बे छू रही है। आप हमारे मजहब को बीच में ना घसीटे तो बेहतर होगा बाजी। अरे बड़ी बहू, ये रसोई जितनी तेरी है उतनी छोटी बहू की, समझी? इसलिए ना तो तू छोटी बहू को इस रसोई में आने से रोक सकती है और ना खाना बनाने से। छोटी बहू तू खाना बना। अपने ससुराल वालों को मुस्लिम देवरानी का पक्ष लेता देखकर आरती गुस्से से पैर पटकते हुए कमरे में चली जाती है, जिसके बाद जारा बिरयानी और कबाब जैसे स्वादिष्ट खाना बनाकर अपनी ससुराल वालों को परोसती है और सभी जारा के बनाए खाने की खूब तारीफ करते हैं। अम्मी जान, अब्बू जान, खाना कैसा बना है? अरे बहुत दमदार बिरयानी बनाई है तूने जारा बहू, और इस कबाब का तो क्या कहना, ये ले तेरा शगुन। अपने ससुराल वालों को स्वाद ले लेकर खाना खाता देखकर आरती अपनी मुस्लिम देवरानी को नीचा दिखाते हुए कहती है, मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा, आप लोग इस मुस्लिम देवरानी का मीट मांस वाला खाना इतने मजे से कैसे खा रहे हैं? अरे हम हिंदुओं के लिए इन हाथों का छुआ पानी पीना भी पाप है, मुझे तो इस मुस्लिम देवरानी को देखकर ही घिन आ रही है। पता नहीं आप सब इससे इतना घुल मिल कैसे गए, मुझे कल तक अपनी रसोई का बंटवारा चाहिए वरना मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। आरती को रसोई के बंटवारे की मांग पर एक ही दिन में रसोई के बीचों बीच दीवार खड़ी कर दी जाती है, मगर क्या रसोई के बीच खड़ी दीवार रिश्तों में दरार लाएगी या फिर सुलह। अगले ही दिन से दोनों देवरानी जेठानी अपनी अलग रसोई में खाना बनाने लगती हैं, मगर आरती के खाने से ज्यादा सभी जारा का खाना खाते, जिसे चिढ़कर आरती कहती है, इससे पहले कि मेरी ये मुस्लिम देवरानी मेरे ससुराल वालों को मुझसे पूरी तरह से छीन ले, मुझे अपनी रसोई के खाने में जान डालनी होगी, कल से मुझे जल्दी उठना होगा। आरती अलार्म लगाकर सुबह सुबह नहा धोकर रसोई में आकर नाश्ते में आलू के पराठे बनाती है। बन गए पराठे, अब जल्दी से ये गर्मा गर्म आलू के पराठे सभी को परोस आती हूँ। बस एक बार मेरे ससुराल वाले ये आलू के पराठे खाएंगे तो इसका स्वाद उनके मुंह से नहीं छूटेगा, फिर दिखाती हूँ मेरी मुस्लिम देवरानी उन्हें अपने रसोई का खाना कैसे खिलाती है। आरती आलू के पराठे से भरी हुई प्लेट लाकर डाइनिंग टेबल पर आती है, जहाँ सभी जारा का बनाया शामी कबाब और दही बड़ा खा रहे होते हैं। अरे बाजी बैठिए ना, देखिए आज हमने सारा खाना शाकाहारी बनाया है, खाइए ना। आरती आओ ना, देखो तुम्हारी देवरानी ने क्या दमदार खाना बनाया है। हाँ बड़ी बहू, एक बार ये खाना खा कर देख, तू सारे गिले शिकवे भूल जाएगी। नहीं माँ जी, ये खाना तो देखने में इतना कच्चा पक्का लग रहा है, इतना मसालेदार खाना खाकर मुझे बीमार नहीं पड़ना। देखिए मैंने आप सभी के लिए आलू के पराठे बनाए हैं,
ये लीजिए खाइए। अरे रहने दे बहू, क्योंकि मेरा पेट तो एकदम भर गया है। सॉरी भाभी, मेरा पेट भी भर गया है। माँ जी आप तो खाइए। अरे नहीं बहू, मैंने खा लिया। ऐसा कहकर पूरा परिवार खाने की मेज से उठकर चला जाता है, जिससे आरती की आंखों में आंसू भर आते हैं और वो अपने मुस्लिम देवरानी को सुनाना शुरू कर देती है। पड़ गई ना तुम्हारे कलेजे को ठंडक। वैसे खुश तो बड़ी हो गई होगी आज तुम। मैंने इतनी मेहनत से ये खाना बनाया था, मगर तुम्हारे कारण मेरी रसोई में बना खाना किसी ने नहीं खाया। बाजी आप खफा क्यों होती हैं? लाइए हमें आपके हाथों का पराठा खिला दीजिए। कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना बनाया खाना तुम्हें खिलाने से बढ़िया कुत्तों के आगे डाल दूंगी। ऐसा कहकर जेठानी अपनी मुस्लिम देवरानी के हाथों से पराठे छीन कर वहां से बड़बड़ाती हुई चली जाती है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं, मगर आरती के मन में अपनी मुस्लिम देवरानी के लिए बसी नफरत कम नहीं होती। मगर एक दिन जब आरती रसोई में खीर बना रही होती है, तभी जारा को अपनी जेठानी की रसोई में से उठ रही गैस की बदबू आती है और वो भागकर इसके रसोई में आकर गैस की नौब बंद कर देती है। या अल्लाह तेरा शुक्र है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी रसोई में कदम रखने की। निकलो यहाँ से। बाजी हमारी बात तो सुनिए, मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम बस निकलो। आरती गुस्से में अपनी मुस्लिम देवरानी को तेज धक्का देती है, से जारा का सर टेबल की नोक पर जाता है। तभी पूरा परिवार वहां आ जाता है। अरे बड़ी बहू, तूने जारा बहू को धक्का क्यों दिया? आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया? पूछिए इस मुसलमानिनी ने मेरी रसोई में कैसे कदम रखा। अम्मी जान अगर हम रसोई में ना जाते तो बाजी की जान पर बनाती, क्योंकि उनकी रसोई से गैस की बदबू आ रही थी। ये सुनकर आरती शर्म से भर जाती है और अपनी मुस्लिम देवरानी से माफी मांगती हुई कहती है, हे भगवान, ये मेरे हाथों क्या हो गया? जिसने मेरी जान बचाई मैंने उसे ही जख्म दिया। जारा मुझे माफ कर दो, मैं पहले दिन से तुम्हारे साथ फर्क करती रही, मगर तुमने आज मुझे एहसास दिला दिया कि इंसानियत से बड़ा कुछ भी नहीं। जो हुआ उसे भूल जाइए बाजी, हमें आपसे कोई मलाल नहीं। आखिर में रसोई के बीचों बीच खड़ी दीवार टूट जाती है और हिंदू और मुस्लिम बहुएं एक ही रसोई में साथ मिलकर खुशी से खाना बनाती हैं।